Good morning, students. Today we will recite the poem The Ant and the Cricket. Ant, आप सब जानते हैं, ant means चींटी, and cricket means cricket, bat ball वाला cricket नहीं, IPL वाला cricket नहीं, cricket here means grass hopper, जो झिंगूर होता है, जो टिड्डा होता है, सबने देखा है, green color का होता है, ठीक है? So let us start. All of you please pay attention. A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. ठीक है, एक fable वो कहानी होती है जिसमें कि animals जो होते हैं वो मुख्य characters होते हैं, मुख्य भूमिका में होते हैं, चरित्र होते हैं, और वो एक सीख देते हैं हमको, एक मूल्य देते हैं. ठीक है, ये कहानी जो हमको मूल्य देती है, ठीक है, उसको बोलते हैं fable. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. Which is as true of a four-legged cricket as of two-legged one. इस पोयम में कहा है कि जो चार लेग्ड क्रिकेट के बारे में है, ठीक है, चार लेग्ड क्रिकेट माने टिड्डा, ये टिड्डे के बारे में है, परंतु व्यंग्य किसको किया गया है, व्यंग्य बनाया गया है दो पैर वाले व्यक्ति को, ठीक है, दो पैर वाले टिड्डे को, दो पैर वाला टिड्डा मीन्स जो व्यक्ति है, ह्यूमन बींग्स है, उनको बोला गया है. इसके माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से ये जो है व्यंग्य किया गया है मनुष्य के ऊपर. Surely you have seen a cricket that has two legs. आपने दो पैर वाला टिड्डा तो देखा ही होगा, मतलब इंसान को कहा गया है, ठीक है, कि जैसे हम लोग जो हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करते या आलस में आ जाते हैं, ठीक है, तो एंट एंड क्रिकेट की जो ये पोएम है, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से पोएट ने जो है ये बताने की कोशिश की है कि हमारी लाइफ में जो प्लानिंग है, जो योजना है, वो कितनी महत्वपूर्ण है, मतलब जो प्लानिंग है इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. प्लानिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, सो वी मस्ट प्लान. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम His cupboard was empty and winter was come. A silly means मूर्ख, बेवकूफ type. Cricket means झिंगूर, ठीक है. Accustomed means used to, जो आदि है. Sing means गाना. एक silly जो मूर्ख जो cricket है झिंगूर है या टिड्डा है, वो जो है गाने का आदि है, वो दिन रात गाता रहता है. Through the warm, चाहे गर्मी है, चाहे summer के days हैं या spring के days हैं, वो गाता रहता है, खेलता रहता है, and और अपने समय को पास करता रहता है. ठीक है, आने वाले कल के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, कोई योजना नहीं है उसकी अपने जीवन के प्रति. ठीक है, बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम. उसके बाद वो शिकायत करना शुरू करता है कि उसके घर में तो कुछ नहीं है, उसकी जो कबर्ड है, जो अलमारी है, वो खाली है, एम्प्टी मीन्स खाली है, एंड विंटर वाज कम, और सर्दी आ गई है, उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, गर्मी में वो सारा दिन भर गाता रहा, ठीक है, और नाश्ता रहा, उसने कुछ भी सर्दी के लिए, मतलब सर्दी का यहाँ मतलब है कि बुरे वक्त के लिए उसने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, उसने कोई मेहनत नहीं की, वो आलसी बन के पड़ा रहा. नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट ए फ्लावर कुड ही सी नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री. नॉट ए क्रम, क्रम मीन्स टुकड़ा, उसको कोई एक रोटी का टुकड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, पूरा जो ग्राउंड है, पूरा मैदान है, वो बर्फ से ढका हुआ है. Not a flower could he see, उसको कोई फूल भी नहीं दिखाई देता, कोई फूल भी नहीं खिला कि वो उस फूल को सूंघ ले, उसे खा ले या फूल का जूस पी ले. ठीक है, not a leaf on a tree, even trees के जो leaves हैं वो भी कोई नहीं दिखाई दे रहे, बर्फ के मारे ये सब चीज़ छुप गई है, ये सिर्फ बर्फ से ढक गई है. ठीक है, ये कुछ भी विजिबल नहीं है. ओह वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, वो क्रिकेट कहता है, ओह अब मेरा क्या होगा, अब उसके पास कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पहले तो उसने मेहनत नहीं की. ठीक है, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट टू सी इफ ही कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन. वो कहता है एट लास्ट बाय स्टारवेशन, जब वो स्टारवेशन मीन्स भूख, जो वो भूख से मरता है, भूखा मरता है, एंड फेमाइन मेड बोल्ड, और वो सोचता है कि भूख लग रही है, अब उसको कुछ खाने को नहीं मिलता, उसको लगता है जैसे कि अकाल पड़ गया है, क्योंकि कुछ फेमाइन मीन्स अकाल.
उसको लगता है कि अकाल पड़ गया, उसके पास कुछ खाने को नहीं है, तो ये चीज़ उसको बोल्ड बना देती है। वो सोचता है कि अब तो भीख मांगनी पड़ेगी, तो हाथ फैलाने पड़ेंगे। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेवलिंग विद कोल्ड, बर्फ से वो क्या होता है, मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से वो गीला हो जाता है, भीग जाता है। ट्रेवलिंग विद कोल्ड, ट्रेवलिंग मीन्स शिवरिंग, कांपना, ठंड के मारे वो कांपता है। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंट, और वो माइजरली एंट मीन्स जो कंजूस चींटी के पास जाता है, ठीक है, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन। वो कहता है कि अगर वो उसको जिंदा देखना चाहती हैं तो उसको अपने घर में बरसा रहने का थोड़ा आश्रय दे दें, थोड़ा उसको बरसात से बचने का शेल्टर दे दें, और उसको कुछ खाने के लिए माउथफुल ग्रेन दे दें, ठीक है। ही विश्ड ओनली टू बारो ही वुड रिपे इट टू मारो, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सारो। वो कहता है कि वो कोई एहसान नहीं मांग रहा उनका, वो कहता है कि वो आज उसको दे दीजिए, उधार मांग रहा है, वो एहसान नहीं ले रहा उनसे, और वो कल उनका पैसा, उनका जो कुछ भी जो सामान ले रहा है खाने पीने का, वापस कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सारो, कहता है अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो निश्चित है कि वो भूख से मर जाएगा और वो बड़ा दुखी है, ठीक है। ऐसा बोलता है टिड्ढा चींटी को, और चींटी जो है वो बड़ी प्रिंसिपल्ड एक जीवन अपना लाइफ जीती हैं, ठीक है। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी एंट नेवर बारो, वी एंट नेवर लैंड। सेज द एंट टू द क्रिकेट, एंट जो है वो क्रिकेट को, टिड्डे को बोलती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपका नौकर, हम आपके नौकर और आपके मित्र हैं, बट वी एंट्स नेवर बारो, वी एंड्स नेवर लैंड। बारो मीन्स उधार लेना और लैंड मीन्स उधार देना, ठीक है। वो बोलती हैं कि हम एंट्स जो चीटियां हैं, ना तो उधार लेती हैं ना उधार देती हैं, मीन्स कि वो बड़ी प्रिंसिपल्ड हैं, वो अपने लिए दिन रात काम करती हैं, मेहनत करती हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह पर बोल देते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डली होते हैं कि तुमने पहले काम क्यों नहीं किया, गर्मी में तो आप लोग नाचते रहे, गाना गाते रहे, आपने आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए कुछ पैसे नहीं बचाए, कुछ भी संग्रह करके नहीं रखा कि बुरे वक्त में काम आएगा। तो कुछ लोग चींटियों जैसे भी होते हैं जो मुंह पर स्ट्रेट फॉरवर्डली एकदम डायरेक्टली बोल देते हैं, नहीं देते कुछ भी। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। वो कहती हैं कि क्रिकेट बताइए, जब मौसम ठीक था तो आपने कुछ नहीं जोड़ा क्या, कुछ नहीं इकट्ठा किया क्या। कोथ द क्रिकेट नो आए, वो कहता है क्रिकेट, टिड्डा बोलता है, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay, you sang, sir you sang, sir you say. वो कहता है कि my heart was so light, कहता है कि मैं तो गाता रहा और मैं तो बड़ा उदार हूँ, मैं तो मेरा जो है वो मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं तो खेलता रहता हूँ, आई एम सो लाइट, ठीक है। आई सैंग डे एंड नाइट, मैं दिन रात गाता रहा, मैं प्रकृति को देखता रहा, उसकी तारीफ करता रहा, उसके गुण गाता रहा, यू सैंग सर यू सैंग यू से, ठीक है। गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे, फिर वो एंट्स कहती हैं कि जाओ अब भी नाचो और गाओ और इस विंटर को, इस सर्दी को भगाओ, जाओ, और वो उसको भगा देती हैं, ठीक है। दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्नड द पुअर लिटल क्रिकेट, फॉक्स कॉल दिस फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू। और इस तरह अंत में वो उस क्रिकेट को, उसको भगा देती हैं अपने दरवाजे से, एंड उसको, और उसको कुछ नहीं देती, बिना कुछ दिए उसको निकाल देती हैं। इस प्रकार ये जो एक फेबल है, ठीक है, जो एक चरित्र, एक सिंबल, सिंबॉलिक बना करके एनिमल्स को एक कहानी कही गई है, ठीक है, जो, तो ये वास्तव में बड़ी सत्य है, ट्रू है, ये एक मैसेज है, ये एक कहानी नहीं, वास्तव में एक सत्य संदेश है, ठीक है, एक ट्रू मैसेज है हमारी लाइफ के लिए। दैट सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स, के कुछ टिड्डों की तो चार टांगे होती हैं और कुछ की दो टांगे होती हैं, ठीक है। मतलब हम इंसानों को कहा गया है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन पढ़ लेंगे, ठीक है, और फिर हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हम डेली पढ़ेंगे, कुछ कुछ पढ़ेंगे, एक एक लेसन पढ़ेंगे, तो हम उस दिन तक बहुत कुछ याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू प्लीज गो थ्रू दिस पोएम एंड नोट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, ओके, एंड पे अटेंशन टूवर्ड्स द मैसेज और द मॉरल कन्वेड बाय दिस पोएम, ओके, थैंक यू।